दोस्तों आज ऐसे जानवरों के बारे में मिलाने वाले हैं जिन्हें देख करके आपकी आंखें यकीन नहीं कर पाएंगी, आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। तो देखिए इन चचा और सांड के दोनों को आमने सामना होता तो क्या होता है। चचा अपने मूड में होते हैं और सांड भी अपने मूड में आ जाता है। तभी सांड को आती है गुस्सा और उसके बाद में क्या होता है आप खुद देखिए। दोस्तों वहाँ पे चचा मूड में होते हैं और यहाँ पे देखिए ये मुर्गा मूड में है। आज ये पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी पी के आया है, हो सकता है शायद इसने बाबा पतंजलि का कुछ बूटी पिया है जिसकी वजह से आज ये सांस लेना ही भूल जाता है। तो देखिए इसकी हरकत, उसके बाद में कमेंट करके बताइए क्या सोचते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे शेर अपने मूड में है और ये शेर को पता है कि जंगल में किसी से भी नहीं डरता, जो सामने चीता हो या फिर बाघ हो या फिर तेंदुआ हो या जैगुआर हो। तो यहाँ पे ये जैगुआर फंस जाता है और इसको दबोच लेता है। उसके बाद ये जैगुआर को खुद के शेर के मुंह से बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आखिर इसका शिकार बनना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे शेर और उसकी फैमिली शेरनी सभी लोग मिलकर यहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्रोकोडाइल आके और बीच में एंट्री मारने लगता है, सोचता है चलो आज मैं भी हाथ मार लेता हूँ। तभी ये शेरनी को नहीं अच्छा लगता, शेरनी कहती है रे लौड़े कहाँ से आ गया यहाँ पे, भागेगा नहीं यहाँ से, जाएगा नहीं। उसके बाद इसको हटाने की कोशिश करती है, क्रोकोडाइल कहता है भाई लौड़े निकल यहाँ से, तो क्या समझती है अपने आप को। उसके बाद ये चीज़ शेर को अच्छा नहीं लगता, शेर कहता है लौड़े निकलता है यहाँ से या फिर गोटियाँ दबा दूँ। और उसके बाद तुरंत ही जब तेजी से दहाड़ता है तो क्रोकोडाइल को तुरंत दबो पीछे हटना पड़ता है और उसके बाद क्रोकोडाइल समझ जाता है कि आज ये कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद उसी एक दहाड़ के चलते ही उसे अपने पैर और पता है कि शेर के आगे किसी की नहीं चलती। आपको पता है कि तेंदुआ जैगुआर भी ये कुछ कम नहीं होते। अब यहाँ पे देखिए जैगुआर कितनी खतरनाक तरीके से एक जीव को अंदर से उसके बिल के अंदर से खींच के बाहर ले आता है और इसका कम से कम 30-40 किलो वेट होता है, उसके बावजूद भी इसे बाहर खींच के ले आता है। इसकी इतनी तेज इतनी ताकत फुर्तीले शरीर के आगे उसकी एक भी नहीं चलती थी। दोस्तों आजकल के कुत्ते भी कम नहीं होते। देखिए यहाँ पे जैगुआर जैसे ही कुत्ते पर अटैक करता है और कुत्ते को इतना तेज़ी से उस पर भौंकता है कि ये वो भी घबरा जाता है, ये कौन सी ब्यादा है, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसके बाद में तेंदुओं के भी तुरंत अपने पैर पीछे करने पड़ते हैं और वापस चला जाता है।